कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आज लॉकडाउन भी है रांची में, मार्केट भी बंद। तो जय हिंद दोस्तों, पहुंच गए हैं हम लगभग झारखंड की सीमा के अंदर और अभी काफ़ी जर्नी बाकी है, 3-4 घंटे का सफ़र और करना है। सफ़र रात को ऐसे ही रहा, नींद नहीं आई ढंग से, ठंडा भी लग रहा था, एसी बढ़ाया था और कुछ बैरिंग तो मिल नहीं रहा था और ट्रेन चल पड़ी है। और यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, लग रहा है ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, मस्त पूरा यार, मस्त लग रहा है, बहुत हरियाली हरियाली ना। और आज यहाँ बादल भी लग गए हैं और हमको अभी रांची पहुँचने में लग जाएंगे 3-4 घंटे। अभी ये डाल्टनगंज शायद इसने क्रॉस किया होगा सुबह 4:30 बजे। अच्छा हाँ, टाइम तो बताया नहीं, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 हो रहे हैं। स्टेशन पे आकर के यहाँ पे मैडम कौन सा टेस्ट हो रहा है? एंटीजन टेस्ट। यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करवा रहे रांची स्टेशन पर पहुँच गए और ये टेस्ट भी करवा लिया है, तो अब निकलते हैं। सर टेस्ट हो गया, पीछे टेस्ट हो गया, हम लोग पीछे टेस्ट हो गया, तो आपका टेस्ट हो गया। जाँच हो गया? हाँ वहाँ पे हुआ ना टेस्ट। ये स्टैम्प भी लग गया, ये हो गया टेस्ट की स्टैम्प भी लग गया। और अब तो दोस्तों पहुंच गए रांची और रांची के बिरसा चौक पर भी खड़े हैं। अभी यहाँ से जहाँ मैंने अपनी बाइक खड़ी की है तो वहाँ चलेंगे, वहाँ थोड़ा फ्रेश होकर के फिर उसके बाद आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो जो मूर्ति है वो है जाने माने, बहुत ही जाने माने यहाँ के झारखंड छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी नेता रहे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना जो है सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो वह हैं बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी की मूर्ति वहाँ पे लगी है, उन्हीं के नाम पे इस चौक का नाम, रांची में इस चौक का नाम बिरसा चौक भी है। बहुत ही ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई वाट लग गई आज, 3 घंटे हो गए, 12 बजे से अब 2:30 बज गया और स्टार्ट होने का नाम नहीं हो रही है। फॉल्ट तो समझ में आ गया कि इसके जो प्लग था, प्लग कहीं शॉर्ट कर रहा है, और मैकेनिक भी नहीं, आज दुकानें भी नहीं खुली हैं, बड़ी मुश्किल से मैकेनिक मिला है, वो भी कह रहा है देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है यार। आफत आ गई बहुत ज़्यादा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। देख रहे हो तो खोल खाल के रखा हुआ प्लग, शायद अब नया प्लग लेने गया,
स्टार्ट ही नहीं होके दे रही है। देखते हैं, 2:30 बज गया है और अभी 4 बज गया है। हाँ, 4 बजने में 10 मिनट हैं और अभी तक यहीं हूँ, गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ। कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। आज लॉकडाउन भी है रांची में, मार्केट भी बंद है, कहीं से एक स्पार्क प्लग नहीं मिल रहा। बस स्पार्क प्लग इसका बुलेट का शॉर्ट कर गया। देखो, एक जगह बात की है, कह रहे हैं आते हैं, ये भी देख लेते हैं। आज वाट लगेगी पक्का पक्का, आज वाट लग गई आज। मतलब इतना मेरे तो अक्सर दिन ख़राब रहते, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। 11 बजे का रांची पहुँचा हूँ, शाम के 3:30 हो गए, 4:15 हो गए। अब तक मुझे अपनी मंजिल पर पहुँचाना चाहिए था, क्या बताएं। नहीं,